लाइव होगी व रहमतुल्लाहि व बरकातहू प्लीज कंफर्म क्या मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को इज माई वॉइस क्लियर

जिन जिन ब्लैक मैजिक जिसके बारे में आपने सुना होगा आपने देखा होगा पोस्टर्स वगैरह भी और अपडेट्स आपने देखी होंगी बेसिकली जिन पार्टिसिपेंट्स ने ये कोर्स ज्वाइन कर लिया है जो इस कोर्स में इनरोल हो चुके हैं उनके लिए ये सेशन है एक्चुअली एंड इट इज़ एन ओपन हाउस सेशन ताकि बाकी जितने भी लोग हैं वो ये सेशन को ले सकें उनको पता चल सके किस कोर्स के अंदर क्या है काफ़ी सारे सवालत होते लोगों को जब भी हम इस किस्म के टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं जब भी हम बात करते हैं जिन्नात के बारे में जब भी हम बात करते हैं जादू के बारे में या एक ऐसी दुनिया के बारे में जो अल्लाह ताला ने क़ुरान में बहुत सारी जगह पे और काफ़ी मरतबा अल्लाह ताला ने इसका जिक्र किया शयातिन का जिक्र किया अल्लाह ताला ने जिन्नात का ज़िक्र किया कि वमा जिन्न वल ख़लतुलजन्न वास अबून कि अल्लाह ताला ने जिन्नात को और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया वल जान न ख़लनाबल उन् ना रमूम अल्लाह तन्नत को आँख से पैदा किया इसके अलावा और न जाने कितने मकाम पर अल्लाह तन्नत के बारे में बताया और न जाने इस गैबी दुनिया के बारे में अल्लाह तै ने और नबी अकर वसलम की हदीसों में बहुत बेशुमार बातें आई हैं लेकिन सवाल ये है कि अल्लाह तक को क्यों पैदा किया और इंसानों के साथ इनका क्या रिलेशन है ये इंसानों के साथ अल्लाह इनके क्या मामल हैं ये अक्सर हमारे साथ कोई अगर मसला हो जाता है या अगर किसी का कारोबार नहीं चल रहा होता या कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो वही एक जो भी हमारी सोसाइटी के अंदर एक ट्रेंड है कि फ़ौर हम इस तरफ जाते हैं इस बात को सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि शायद शायद हमारे काम ना होने की वजह हमारे रिश्ते ना होने की वजह हमारे जो ये काम नहीं बन रहे हम अगर प्रोडक्टिव नहीं हो रहे ये कोई भी मामला आते हैं तो हो सकता है इसके पीछे उस गैबी दुनिया का तल्लुक ताल्लुक हो जिसको हम कहते हैं भाई जिन्नात की दुनिया और अल्लाह ताला ने ये बहुत वाज अंदाज में कुरान में फरमाया है कि इन्ना हूँ युवा व कबीर हो मिन हईफुल मिन हैसु ला कि ये नुम्हे वहां से देखते हैं जहाँ से तुम उन्हें नहीं देख सकते अल्लाह तला ने और भी बहुत सारी जगह फरमाया लेकिन सवाल यह है कि यह जाहिर सी बात है हमारे माइंड के अंदर एक फेयर है बहुत डर है हमारे माइंड के अंदर इन चीजों को लेकर हमारे माइंड के अंदर एक बहुत ही खौफ आता है जब हम ये बातें सुनते हैं और क्यों ना आए अल्लाह ताला ने उनको बनाया ही ऐसा है अल्लाह ताला ने उनके मामलात ही ऐसे रखें इंसान जब भी एक अनयूजल चीज के बारे में सुनता है या उसको समझना चाहता है या वो देख लेता है तो वो डर जाता है लेकिन बात यह है कि कोर्स बनाने की सबसे बड़ी वजह यह है कोर्स बनाने की जो सबसे बड़ी वजह यह है वो यही थी कि इसके बारे में जो हमारी सोसाइटी में मिसकंसेप्शंस हैं जो गलत फहमी है हमारी सोसाइटी के अंदर और जो न जाने कितनी सारी बातें और लोगों ने क्या क्या बातें करी हैं इस मामला के अंदर लोगों ने जो भी बातें करी हैं और जो भी गलत फहमियाँ हमारे तो वो हमारी गलत फहमियाँ दूर हो सकें हम उनको समझ सकें न जाने कितनी कहानियाँ हमने बनाई हुई हैं और न जाने कितनी उल्टी सीधी बातें इसको लेकर नॉवेल्स हैं मूवीज़ हैं कि डिपिक्शन कराई जाती है जिन्नात ऐसे जिन्नात वैसे क्या इस्लाम ने इसके बारे में क्या रहनुमाई फरमाई है सबसे पहली वजह यह है कि हम इसके बारे में आपको एक सही राय बता सकें आपको सही नॉलेज फराहम कर सकें अगर किसी का काम नहीं हो रहा अगर किसी के मामला खराब हैं अगर किसी को लगता है कि बंदिश है अगर किसी को लगता है कि उसके काम में रुकावट है तो हम उसको बता सकें क्या वाकई शरीयत ने इस चीज़ को सेकंड किया है क्या वाकई बंदिश होती है क्या वाकई इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है हमारी लाइफ के अंदर तो हम इसके बारे में इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे अगर एक इंसान के साथ एक इंसान के साथ अगर कोई जन्ाती मामला हो जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल बहुत सारे लोगों के साथ हो जाते हैं इशूज़ हो जाते हैं लोग कहते हैं हमने मेडिकली चेक करा लिया हमने साइकेट्रिस्ट को भी दिखा लिया हकीम को भी दिखा दिया जितनी भी मेडिकल ट्रीटमेंट्स थी जितनी भी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग्स थी जितने भी साइकेट्रिस्ट थे सब कुछ हमने दिखा लिया हमारी रिपोर्ट्स क्लियर हैं हमारे टेस्ट क्लियर हैं हमारे सारे मामला ठीक हैं लेकिन फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ ये क्या हो रहा है क्यों हो रहा है हमारी बॉडी के साथ फिर भी हमारे जिसम में दर्द क्यों है मेरे मामला ठीक क्यों नहीं हो रहा है मुझे इतने एक्सट्रीम वसफ क्यों आ रहे हैं मैं फिर भी क्यों वहम का शिकार हूँ क्या वाकई मेरे साथ कोई मसला है कोई अगर कोई साइकोलॉजिकल मसला नहीं है अगर कोई मेडिकल मसला नहीं है तो फिर मेरे साथ क्या है तो इस कोर्स के अंदर हम आपको बताएंगे कि क्या वाकई इंसान के साथ अगर कोई जिन्नाती मसला होता है तो उसकी पहचान कैसे करनी है उसके सिम्टम्स कैसे हैं उसकी पहचान कैसे करनी है उसके उसको कब पता कैसे चलेगा कि अब वाकई मेरे साथ कोई जिन्नात जादू का मसला है या नहीं है क्या वाकई मेरे साथ कोई साइकोलॉजिकल मसला है या मेरे साथ कोई मेडिकल मसला है या वाकई मेरे साथ इसके अलावा कोई और मसला है वाकई क्या मेरे साथ कोई जिन्नाती मसला है या नज़र का मसला है देखिए अल्लाह ताला ने इस दुनिया के अंदर दो किस्म की बीमारियां उतारी हैं एक का ताल्लुक है इंसान के इंसान की नफ्सियात के साथ है मेडिकल साइंस के साथ है और क़ुरान ने इस बहुत सारी जगह बयान किया है ये बातें बहुत सारी जगह बयान करी हैं आपको पता है अल्लाह तिकर इंसान के नफसियात का किया है कि इंसान के गमों का किया है इंसान के दुख का किया है इंसान की खुशी का किया है इंसान के दिल के बारे में बताया है इतना ज़्यादा अल्लाह ताला ने उसमें इंफेसिस है इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला ने उसमें फ़ोकस किया अल्लाह ताला ने हमें बताया है कि अगर एक इंसान कुछ सुनता है या कुछ देखता है तो उसकी नफसियात के ऊपर असर पड़ता है जब इंसान कोई चीज़ कोई गैर मैारी चीज़ या कोई अनयूजल सी चीज़ देख लेता है तो उसकी नफसियात के साथ मामला हो जाते हैं नबी अलैहि वसल्लम की हदीस से भी हमें मिल जाता है तो अल्लाह ने साइकोलॉजिकल डिजीज के बारे में और उसकी काउंसलिंग्स के बारे में और उसके इलाज के बारे में भी बहुत ज्यादा डिस्कस किया है और उसके अलावा आपको मिलेगा शरीय से कि अल्लाह तुमने हमारे जिसम के बारे में भी बहुत ज्यादा डिस्कस किया है और मेडिसिन के बारे में भी शरीय बहुत ज्यादा बताती है ब्लैक सीड है कलौजी है जैतून का तेल है और इसके अलावा शहद है इसके अलावा डिफ़रेंट डिफरेंट हर्ब्स हैं जड़ी बूटियां हैं जिसके बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए पूरी भी एक तिब्बे नबी है उसके फवाइद हैं जो चीज़ इंसान के जिस्म को फ़ायदा पहुंचाती है और उसके अलावा अल्लाह ताला ने एक तीसरी डिजीज़ के बारे में भी बात करी है जो जिन्नात की वजह से होती है जो हमारे मामल ख़राब हो जाते हैं उसका इम्पेक्ट जो है इंसान की नफसियात पे भी पर भी होता है इंसान के जिसम पर भी होता है लेकिन सवाल यह आता है कि हम डिफ्रेंशियट कैसे करें हम डिफ्रेंशिएट कैसे करें कि इंसान के साथ कोई रूहानी मसला है या फिर इंसान के साथ कोई जिस्मानी मसला है कोई मेडिकली मसला है तो इस कोर्स के अंदर आपको बहुत डिटेल के अंदर बहुत ही डिटेल में इंशाल्लाह और बहुत ही अच्छे अंदाज में आपको ये सिखाया जाएगा कि हमने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है डायग्नोसिस किस तरीके से करना है वो सिम्टम्स क्या होते हैं जिससे हमें पता लगेगा जिससे हमें पता लगेगा कि एक इंसान के साथ वाकई कोई जिन्नाती मसला है या नहीं या उसके साथ कोई नफसियाती मसला है कि हम उसको साइकेट्रिस्ट रिकमेंड करें उसके अलावा इस कोर्स के हवाले से अल्लाह ताला ने तम अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम और इबलीस के साथ जो है अल्लाह ताला ने एक जंग बयान करी है अल्लाह ताली ने हमें पूरी हिस्ट्री बताई है कि जब ने पैदा किया जब आदम को अल्लाह ताली ने अपने हाथों से बनाया तो अल्लाह ताला ने सबको हुक्म दिया कि इसको सजदा कर नहीं किया तो इबलीस ने जब सजदा नहीं किया तकबर की वजह से उसने इनकार किया तो फिर उसकी और अल्लाह के दरमियान उसने अल्लाह में खाई लकल मुस्तकी मैं इसके सीधे रस्ते में बैठूंगा लाआ तनी किमाई फिल अर्ज़ अल्लाह मैं इसको ऐसे गुमराह करूंगा अल्लाह मैं इसको ऐसे गुमराह करूंगा मैं सीधे रस्ते में बैठ जाऊंगा मैं इसको यहां से हिट करूंगा मैं इसको यहां से मारूंगा अल्लाह ताला ने उसकी दुआ कबूल करी अल्लाह ताला ने कहा मैंने तुम्हें ताकत दी रबीमास ने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी आप पढ़ते हैं ना सूरह नास के अंदर फी नास मिनल जिन्नति वन्नास कि जो सीनों के अंदर वसवसे डालता है चाहे वो जिन्नात हो या इंसान हो तो वो शैतान की इबलीस की और आदम की और अल्लाह ताला के साथ जो भी मामला हुए और अल्लाह ताला ने उसको इजाजत दी कि तुम आदम को जिस तरह तंग कर सकते हो कर लो इसकी औलाद को वन हम बिस का वह अजलिब आल बिखैली का व रिजलि का अल्लाह तुमने उसको इजाजत दी जितनी तुम्हारी ताकत है तुम अपनी आवाज से अपनी फौजों के साथ इसके माल में मिल जाओ इसकी औलाद में मिल जाओ यजरी मजरदम खून में गर्दिश करता है यह और न जाने कितनी बातें अल्लाह ताला ने इसके बारे में बताई कि यह यहां से बनी आदम को अटैक करता है आपको पता है जब आप घर में एंटर होते हैं जब आप घर में एंटर होते हैं तो आपके साथ जिन्नात भी एंटर होते हैं और वो ये कहते हैं अगर आप बिस्मिल्लाह ना पढ़ें सही हदीस है नबी अकलम सल्लम फ़रमाते हैं कि अगर आप अल्लाह का नाम ना लें वहाँ पर तो वो जिन्नात कहते हैं कि आज हम तुम्हारे साथ रात भी गुजारेंगे और आज हम तुम्हारे खाने में शरीक भी होंगे लेकिन अगर वो वो गोल्डन अल्फाज कह दे जो नबी सल्लम ने फरमाए हैं कि अगर वो घर में एंटर होता है सलाम करता है और अल्लाह का नाम ले लेता है तो फिर वो मौजूद जिन्नात कहते हैं अल्लाह के नाम की वजह से आज ना हम इसके साथ शामिल हो सकते हैं खाने के अंदर और ना ही हम इसके बिस्तर के ऊपर इसके इसके बिछोने के ऊपर इसकी रात गुजारेगा जो ये हमारा जोर नहीं चल सकता आप जब घर से बाहर निकल रहे होते हैं तो वो वेटिंग में खड़े होते हैं कि हम किसी तरीके से इसके काम बर्बाद करें किसी तरीके से इसके सौदेबाजी को खराब करें किसी तरीके से इसकी एजुकेशन को डिस्टर्ब करें क्योंकि उनका काम ही यही है ना उनका काम ही यही उसका मकसद ही यही है किसी तरीके से बनी आदम को नुकसान पहुंचाना, चाहे वो जिसमानी एतबार से हो माली एतबार से हो चाहे वो रूहानी एतबार से हो प्रोडक्टिविटी के लिहाज से हो रिश्तों के लिहाज से हो किसी ना किसी तरीके से उसको नुकसान पहुंचाना। तो उससे किस तरीके से बचना है उस इम्पैक्ट को किस तरीके से ख़त्म करना है और नबी अक्रमल्लम फ़रमाते हैं कि अगर किसी के घर में जन्ात आ जाए तो उस घर में से जिन्नात को किस तरीके से ख़त्म करना है जिन्नात की टाइप्स के बारे में भी बताया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ये तीन किस्म के होते हैं और भी बहुत सारी इसके बारे में अहदीस है तो पूरी उस दुनिया के बारे में जो शरीयत ने डिस्कस किया है उसके बारे में हम आपको बताएंगे कि उसके हथियार कौन से हैं वो किस तरीके से एक इंसान को तंग करता है और सारी बातों के बाद अल्लाह ताला ने उसको अल्लाह ताला ने ताकतवर पैदा किया उसको अल्लाह ताला ने ताकतें दी अल्लाह हमें कमज़ोर पैदा किया इंसान को कि व खुलसान ज़ीफ़ा अल्लाह ने उसको ज्यादा ताक़त दे दी और हमें कम दी और फिर भी अल्लाह यही कहा कि इन इबादी सुल्तान तुम कुछ भी कर लो तुम्हारे पास जितनी ताकतें हैं अपना लो जितना तुम्हारा जोर है लगा लो जितना तुम इसके कारोबार में ख़लल पैदा कर सकते हो कर लो लेकिन याद रखना कि जो मुझसे जुड़ा रहा जो मेरा बंदा हुआ इन इबादी मेरे जो बंदे हैं लई सला सुल्तान तुम सब कुछ तंग करने के बावजूद भी मेरे बंदों के ऊपर गालिब नहीं आ सकते तुम उसका दिल नहीं बदल सकते तुम उससे हिदायत नहीं छीन सकते तुम उससे बेदर या शिर नहीं करवा सकते बनी आदम कमजोर है गुनाह करेगा तुम्हारे बहकावे में आके लेकिन वो माफी भी मांगेगा तोबा करेगा वो जैसा अल्लाह ताली ने फ़रमाया कि या इबादी अल्लीन असरफुआम ला तकन महमत ला ए मेरे बंदो गुनाहों में हद से ज्यादा आगे गुजर जाओ बड़े से बड़ा गुनाह कर जाओ लेकिन याद रखना ला तकनु महमत ला मायूस मत होना अल्लाह की रहमत से मायूस ना होना शैतान क्या करता है शैतान मायूसी दिलाता है शैतान हमला करता है इंसान की नफसियात को कॉम्प्लेक्स लेकर आता है डिप्रेशन लेकर आता है अब तो अल्लाह भी तुम्हारा अल्लाह अब तो अल्लाह ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया अब तो अल्लाह ताला भी तुम्हें जो है ना वो सपोर्ट नहीं करेगा तुम बहुत गुनहगार इंसान हो तुमने ये किया है तुमने वो किया अब अल्लाह ताला भी जो है ना तुम्हें अब नहीं छोड़ेगा अल्लाह ताला भी तुम्हें माफ नहीं करेगा अल्लाह के बारे में बदगुमानियाँ डालता है नबी अक्रम अलैहि वसल्लम के बाद असहाब आए उनके कुछ कंपेनियंस हैं उन्होंने कहा यार रसोल्ला अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने वसवसों पे पकड़ नहीं करी वरना हमारे दिमाग में ऐसे वसवसे आते हैं हमारे दिल में ऐसे ख्याल आते हैं कि अगर हम वो बयान कर दें तो पता नहीं क्या हो जाए अल्लाह ताला ने वसवसों पर हमारी पकड़ नहीं करी हत्या अगर हम उसको जबान से हटा कर दें या हम कोई एक्ट प्रोड्यूस कर दें तो जो भी उसकी हिस्ट्री है जो भी उसके वेपन है जो भी उसकी दुश्मनी है वो अल्लाह तला ने बयान करी है उसके बारे में हम इस कोर्स में डिजाइन बात करेंगे दूसरा अल्लाह ताला ने इसकी एक दुश्मनी बताई है अल्लाह ताला ने कहा है देखिए दुनिया में अगर एक इंसान एक इंसान का दुश्मन होता है ना तो उसके पीछे एक रीज़न होता है अगर हम किसी को तंग करेंगे तो वो पलट के हमें तंग करेगा अगर हम किसी के साथ दुश्मनी करेंगे तो वो पलट के हमारे साथ दुश्मनी करेगा लेकिन शयातीन के साथ ऐसा नहीं है जिन्नात के साथ ऐसा नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया इन शान अद के बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है अल्लाह ताला ने आगे फरमाया फ तू अदू मेक हिम योर एनिमी इसको भी तुम अपना दुश्मन कंसिडर करो क्योंकि तुम कुछ भी कर लो ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं यह तुम्हें माफ नहीं करेगा यह तुम्हारे पीछे लगा रहेगा यकीन जाने जब से एक छोटा बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो नबी अकरम वसल्लम फरमाते हैं उसको ठोके मारता है यह उसको पिंच करता है ताकि वो रोए उसको छूने की कोशिश करता है ताकि वो खराब हो बच्चा ताकि वो शरारती हो ताकि वो बावला हो जाए ताकि वो उल्टी सीधी हरकतें करे और जब इंसान फौत हो रहा होता है तब भी उसको गुमराह करता है तब भी उसको गुमराह करता है दुआ है ना कि अल्लाह तहु मिन्ना फ आह्लाम वन तवफ़ा तह मुन्ना फ तवफा अल इमान जब तक जिए ईमान की जिंदगी जिए इस्लाम की जिंदगी जिए ईमान की जिंदगी जिए और जब अल्लाह ताला हमारे हलक से जब रू कब्ज़ करे तो तब भी हमारी जबान के ऊपर कलमा हो शैतान उस वक्त भी बहकाता है इंसान को इस कोर्स के अंदर हम इंशाल्लाह पूरी हिस्ट्री भी डिस्कस करेंगे तीसरी चीज जो इस कोर्स के हवाले से है कि अगर एक आदमी एक आदमी को अगर कोई जिन अफेक्ट कर देता है एक आदमी के साथ अगर कोई रूहानी मसले हो जाते हैं अगर एक आदमी के साथ कोई भी इस तरीके के मसले हो जाते हैं तो उनको डील किस तरीके से करना है अगर कोई जादुई मसले हो जाते हैं तो उसको डील किस तरीके से करना है अगर उसकी पहचान हो जाए कि डायग्नोसिस हो जाए कि हाँ भाई फला आदमी के साथ ये मसला है अगर कोई पेशेंट आए आपके पास या आपके पा, आपके घर में आपके कोई अजीज़ व अकारब हों अगर उनके साथ कोई प्रॉब्लम्स होती हों तो सबसे पहले तो आपको पता चले कि वाकई ये प्रॉब्लम्स जो है कहीं जिन्नाती तो नहीं है कहीं ये प्रॉब्लम जो है वो रूहानी मसाइल तो नहीं है अगर वो डायग्नोस हो जाते हैं और देखें डायग्नोस करने के अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है कोई अमल वमल नहीं करने पड़ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बहुत ही सिंपल से तरीके बताए हुए और बहुत ही आसानी के साथ पता चल जाता है कि एक इंसान जो कि बिल्कुल हमारी तरह होता है क्या वो अफेक्ट है अफेक्टेड है या नहीं आप देखें मूवीज़ के अंदर नॉवेल्स के अंदर स्टोरीज़ के अंदर बहुत ही एक गलत डिपिक्शन दी जाती है पोजिशन की या फिर इस जन्ती मसलों की कि एक आदमी है वो हवा में उड़ना शुरू कर देगा या उसको जंजीरों से बांध लिया जाएगा या उसके बाल लंबे हो जाएंगे या उसके पाव उल्टे हो जाएंगे या फिर जो उसकी आंखों से ब्लड आने स्टार्ट हो जाएगा या वो अजीब बावलों वाली हरकतें करना शुरू कर देगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं और बहुत सिंपली उसको डायग्नोस किया जाता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि उस बंदे के साथ कोई जन्ाती असरात हैं या उसके साथ नजर बद का मसला है या फिर उसका साथ नफसियाती मसला है तो बहुत ईजी है कोई रॉकेट साइंस नहीं है और कोई भी इसमें कोई गैर शर्य अमल नहीं करना पड़ता याद रखिएगा लोग अक्सर डरते हैं इसको पढ़ने से और इसको समझने से और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमारे डर की कि लोग कहते हैं नहीं नहीं ये कोर्स ज्वाइन नहीं करना तुम्हें कुछ हो जाएगा तुम्हें कुछ हो जाएगा तुम्हारे साथ कुछ मामला हो जाएंगे जब भी एक इंसान अल्लाह के रसूल सलम के बताए हुए तरीके से आगे बढ़ता है जो चीज़ नबी अलैहि वसल्लम ने मना करी है जो चीज़ अल्लाह ताला ने जो बाउंड्रीज़ बताई हैं हमें अगर हम दुनियावी फ़ायदे के लिए उन बाउंड्रीज़ को क्रॉस करते हैं ऐसे कोई मामलात करते हैं जिससे जिस जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं आप मुझे ख़ुद बताएं एक चीज़ की गारंटी हिफाजत की गारंटी अल्लाह ली अल्लाह तला ने हमारी हिफाजत की गारंटी ली एक मरतबा आयतल कुर्सी अगर कोई पढ़ ले तो उसे शाम तक कोई जिन तंग नहीं कर सकता बहुत मशहूर किस्सा है अबू हुरैरा हुरर का तो एक आयतल कुर्सी अगर कोई सुबह फजर की नमाज के बाद पढ़ ले और शाम में असर की नमाज के बाद पढ़ ले तो अल्लाह तक प्रोटेक्शन दे देता है रात में सोने पर पढ़ ले अल्लाह तसमान से एक फरिश्ता नाजिल फरमा देता है जिन क्या जिन्नाथ ये पूरी फौज भी उतर जाए उस बंदे का मुकाबला नहीं कर सकती क्योंकि उसने एक ऐसी चीज से मदद तलब करी है जो सिर्फ आपका खालिक नहीं है जो उस जिन्नात का भी खालिक है और अल्लाह ने साफ कहा है बकरा इल्ला ताला, ताला अगर किसी को बचाना चाहे तो दुनिया की कायना की कोई चीज ऐसी नहीं है जो उसे नुकसान पहुंचा दे एक आयतल कुर्सी जो है अल्लाह तला का वादा है कि अल्लाह तला जो है उस बंदे की मदद करता है तो अगर एक अगर डायग्नोस हो जाए अगर जाहिर सी बात है अगर हम वो लिमिट्स क्रॉस करेंगे तो फिर अल्लाह भी हमारी मदद नहीं करेगा क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन्ना के कुछ हुकूक बताए हुए हैं अगर हम उनको फॉलो नहीं करते तो आप कोई भी कोर्स करें या ना करें आप कोई भी मामला करें ना करें आपके साथ ये मसले होंगे अगर आपने उन प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो नहीं किया क्योंकि वो दुश्मन है वो पीछे लगा हुआ है वो छोड़ेगा नहीं आपको तो अगर डायग्नोस हो जाता है तो उसको ट्रीट किस तरीके से करना है और यकीन जाने कोई ये रॉकेट साइंस नहीं है डायग्नोस करना इतना मुश्किल काम नहीं है हम आपको इस कोर्स में सिखाएंगे थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है जो नबी कर बताया है जो भी सिम्टम्स हैं जो भी तरीक़ेकार है डायग्नोसिस का और डायग्नोसिस का बहुत सिंपल सा तरीक़ेकार है पेशेंट ख़ुद बताते थे कि मेरे साथ ये मसले हो रहे हैं पेशेंट ख़ुद बताते थे कि मेरे साथ ये मसले हो रहे हैं और बहुत ईजिली हमें पता चल जाता है इसमें कोई अलग से फरिश्ते नहीं उतरते अलग से कोई जिक्र अस्कार नहीं करने पड़ते अलग से कोई जो एक हमारे यहाँ एक इमेज बनी हुई है कि जो आदमी जो है वो इन मामला को डील करेगा तो वो न जाने पता नहीं वो अपने घर से अलग होकर बैठा हुआ होगा और फला बाबा होंगे फला पीर होंगे ऐसा कुछ नहीं होता बहुत ही सिंपल है मुझे आप ये बताएं क्या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इल्म दिया अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेरे लिए अलग इल्म हो और आपके लिए अलग इल्म हो कुरान इन्हीं बातिल चीज़ों को तो खत्म करने आया था कुरान इन्हीं चीज़ों को तो खत्म करने आया था कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया बन हुआ शिफा ये कुरान है जिसमें शिफ़ा है कुरान ये उल्टे सीधे मामला ये सारे काम करना इसमें थोड़ी शिफा है कुरान तो इन सारी चीजों को ख़त्म करने आया था एक सहाबी ने सात मरतबा सूर फातह पढ़ के दम करी एक आदमी का जहर जहर का असर ठीक हो गया उसमें जहर उसका ख़त्म हो गया और न जाने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस तरह कितने वाके मिलते हैं हमें कि कुरान पढ़ के दम किया और वो ठीक हो गया तो अगर उसकी डायग्नोसिस किस तरीके से होती है और डिफरेंशिएट किस तरीके से करना है डायग्नोसिस के अंदर कि कौन सा मसला जो है वो जिद्दाती मसला है और कौन सा मसला इंसान का कौन सा रूहानी मसला है और कौन सा मेडिकल इशू है बहुत ईजीली पता चल जाता है तो इस कोर्स के अंदर हम आपको ये भी सिखाएंगे उसके अलावा इसमें सबसे बड़ा मसला ये होता है हमने देखा है अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम हो जाए सबकी फैमिली में इश्यूज़ होते हैं सबकी फैमिलीज देख ली होती हैं सबकी सब अपनी अपनी फैमिलीज में देखा होता है कहीं ना कहीं हम सब इससे किसी ना किसी बेसिस के ऊपर कनेक्ट होते हैं तो यहाँ पर इस के अंदर अब सवाल या अगर किसी के साथ मसला हो गया तो ट्रीटमेंट किससे कराएं हमें कैसे पता चलेगा एक आदमी सही इलाज करता है और हमें कैसे पता चलेगा कि एक आदमी गलत इलाज करता है हमें कैसे पता चलेगा कि हम किसी के पास जा रहे हैं तो वो ठीक सही मालिज है या गलत मालिज है हमें कैसे आइडेंटिफाई होगा कि यहाँ से हमें अपना इलाज कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए हमें किस तरीके से पता चलेगा कि वो शख्स ईमानदार है और सही ट्रैक पे जा रहा है और हमें कैसे पता चलेगा कि वो शख्स बेईमान है और गलत तरीके से इलाज कर रहा है हो सकता है वो ईमानदार हो लेकिन उसका जो वे ऑफ ट्रीटमेंट है उसका तरीका इलाज जो है वो खराब है हो सकता है एक आदमी जो है आपको बहुत ज्यादा नेक दिख रहा हो बहुत ज्यादा जो है पांच वक्त का नमाजी दिख रहा हो परहेजगार दिख रहा हो बहुत ही बुजुर्ग हो लेकिन उसका जो तरीका इलाज है उसकी जो नीयत है वो खराब हो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किससे इलाज कराना है तो हम आपको वो सारी चीजें बताएंगे जिससे आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि अगर एक आदमी आपसे ये सवाल करें अगर आपको ये प्रोसेस फॉलो करने को दे अगर आपसे कोई ऐसे मामला करे तो आपने उससे इलाज कराना है या नहीं कराना और सही मालिज जो होगा सही मालिज जो होगा वो कौन होता है उसके क्या तरीकेकार होते हैं उसकी क्या अफेक्टिव जो इलाज होता है जो सही मालज है वो जो सही प्रैक्टिस करता है इस चीज़ की जो सही से आपको बताता है जो कुरान से इलाज करता है जो नबी की अदीत से इलाज करता है वो हमें कैसे पता चलेगा तो ये दोनों चीज़ें हैं इस कोर्स के अंदर हम आपको भी बहुत ही वाजे अंदाज में बताएंगे आपको पता होगा ना अगर आप किसी के पास जाते हैं तो आप उनसे पूछते हैं कि आपने कैसे किया तो वो बोलता है बेटा आप नहीं समझ सकते आप बेटा आपको नहीं पता हम क्या करते हैं आप इस कामों में ना पड़े आपके साथ नुकसान हो जाएगा तो भाई कोई गलत इलाज होगा तो नुकसान होगा ना गलत तरीका अपनाया है तभी तो आपको डर तभी तो आपने मुझे रोका है ना तभी तो आप बताने से रुक रहे हैं अगर सही तरीका अपनाया होता वो तरीका जो नबी ने बताया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आप कभी भी नहीं घबराते बल्कि आप तो सामने वाले को भी बताते कि इस तरीके से होता है ट्रीटमेंट लेकिन क्योंकि जरा सी दो नंबरी होती है जो लोगों को धोखा देना मकसद होता है गलत तरीका इलाज को ऑप्ट करना होता है तभी तो यह गुना होता है जैसा अल्लाह कुरान में फरमाया वम जमीन या माशा जिनल इंस यामत वाले दिन अल्लाह त्यामत वाले दिन जन्नात को भी जमा करेगा और इंसानों को भी जमा करेगा और वहाँ पर इंसान कहेंगे कि जन्नात हमसे फ़ायदा उठाते थे और हम जन्नात से फ़ायदा उठाते थे जन्नात को यूज़ करते थे ट्रीटमेंट के अंदर अल्लाह हम तुझसे मदद नहीं बल्कि जन्नात से मदद लिया करते थे और जन््त भी बोलेंगे अल्लाह हम इनसे मदद लिया करते थे अल्लाह कहेगा अल्लाह तरमाएगा आग तुम्हारा ठिकाना है आग आग में जाओ यानी कि गलत तरीके से गलत तरीके से ट्रीटमेंट किया तुम लोगों ने जिन्नात को यूज किया अपने ट्रीटमेंट के अंदर तुम इससे मदद नहीं मांगते थे तुम जिन्नात से मदद मांगते थे तुम लोगों का इलाज करने में जिन्नात को यूज किया करते थे तुम कहते तो थे कि हम कुरान के मुताबिक इलाज कर रहे लेकिन तुम हकीकत में जिन्नात के थ्रू इलाज करते थे तभी तो तभी तो तुम्हारे नुकसान हो गया तभी तो तुमने दूसरों को कहा कि आप नहीं समझ सकते क्योंकि पता चल जाएगा ना लोगों को फिर लोग थोड़ी आएंगे फिर लोग उसको फिर नेक थोड़ी कहेंगे लोग उसको फिर नमाजी परहेजगार थोड़ी कहेंगे और आपने सुना होगा जो भी लोग इन चीज़ों में पढ़ते हैं इनका इलाज करते हैं वो बहुत ही मिस्ट्री होते हैं यानी कि उनका आप कहते हैं पता नहीं वो क्या अमल कर रहे हैं पता नहीं वो क्या कर रहे हैं और बड़े अजीब तरीके से वो अमल करते हैं बहुत ही डिफरेंट तरीके से और आपको कभी भी हक बात नहीं बताएंगे कभी भी आपको सच्ची बात नहीं बताएंगे कि हम किस तरीके से अमल कर रहे बोर तो नहीं हो रहे समझ में आ रही है मेरी बातें? कंफ्यूजन तो नहीं हो रही तो आप लोगों का जो भी सवाल है इस कोर्स से रिलेटेड वो मुझसे आप पूछ सकते हैं यहां पे। तो इस कोर्स के अंदर हम आपको फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि सही इलाज का तरीके कार क्या है और इलाज करना कैसे अगर आपने खुद इलाज है और यकीन जाना ये इतना आसान है अगर किसी के साथ अल्लाह ना करे कोई जादू का मसला हो जाता है अगर उस पर कोई जिन आशिक हो जाता है या कोई इस तरीके की प्रॉब्लम हो जाती है उसके कारोबार के अंदर बंदिश आ जाती है या रिश्तों में बंदिश आ जाती है या फिर कोई इस तरीके रोज़ी रोटी में बंदिश आ जाती है तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना चाहिए कि इसकी वजह क्या बनी अगर आप सारी चीज़ें ग्राउंड के ऊपर सारा वर्क कर रहे हैं आप सारे मामला आपके ठीक हैं लेकिन पता नहीं जैसे ही वो आ, मैं काम की बात करता हूँ मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है जैसे ही एजुकेशन की बात आती जैसे ही मेरे कॉलेज जाने का या यूनिवर्सिटी जाने का टाइम होता है मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है दुकान में जो है ना वो उल्टी सीधी चीज़ें मिल रही हैं हमें कभी बाल मिल रहे हैं कभी ब्लड दिख रहा है घर के अंदर जो है ना आपको कुछ कुश्ती नज़र आ रही है घर वालों को भी कोई चीज़ नज़र आ रही है आपको घर के अंदर से कोई अजीब अजीब सी चीज़ें मिल रही हैं कोई आपको घर के अंदर से कोई बिल्कुल ही अजीब अजीब सी चीज़ें दिख रही हैं आपको घर के अंदर जो है ना चीजें नजर आ रही हैं ख्वाब के अंदर अक्सर आप देख रहे हैं आपको उल्टी सीधे और डरावने और डराने वाले ख्वाब आ रहे हैं जानवर आ रहे हैं आपके ख्वाब में आपको फील हो रहा है कि आपकी चेहरा जो है बिगड़ गया आपको अल्लाह के बारे में बहुत एक्सट्रीम वसफा से आ रहा है आपकी बॉडी में एक बहुत ही स्ट्रेंज सा पेन हो रहा है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते आपकी स... जब आप कुरान पढ़ना शुरू करते हैं तो कोई ना कोई मसला हो जाता है जब आप दी जा रही होती है तो आपको गुस्सा आ जाता है जब आपको गुस्सा आता है आपको खुद भी याद नहीं रहता आपने क्या कहा है क्या बात करी है अचानक आपको जो है ना बैठे बैठे रोना शुरू कर देते हैं आप बैठे बैठे हंसी आनी शुरू हो जाती है अपना चेहरा शीशे में देखते हैं तो बिगड़ा हुआ नजर आता है तो और न जाने कितने मामला और न जाने कितनी चीजें जो आपको लाइफ में डिस्टर्ब करती हैं और हम हमारे दिमाग हम जब आंखें बंद करते हैं तो हमारे सामने कुछ विजुअल्स आना शुरू हो जाते हैं स्टार्ट हो जाती है लोग कहते हैं कि जब भी हम आपके घर में आते हैं तो हमें यहाँ पे बेचैनी स्टार्ट हो जाती है कोई इशूज होने स्टार्ट हो जाते हैं घर के अंदर कोई चीज स्मेल आनी शुरू हो जाती है आपको एकदम सफोकेशन स्टार्ट हो जाती है हार्ट बीट आपकी तेज हो जाती है एकदम आपकी जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो एब नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर देता है आपके कपड़े फटना शुरू हो जाते हैं चीज़ें गायब होनी स्टार्ट हो जाती हैं घर में से और बहुत ही ज्यादा इसके बहुत ज्यादा सिम्टम्स हैं और भी सिम्टम्स हैं इसके काफी और बहुत विजिबल सिम्टम्स हैं बहुत आसानी से हमें पता चल जाता है कि किसी के साथ क्या मसला है तो उसको घर को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है सबसे पहली बात आपने अपनी प्रोटेक्शन किस तरीके से करनी है आपने अपने घर को प्रोटेक्ट किस तरीके से करना है आपने अपनी फैमिली को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है आपने अपने कारोबार को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है क्या दुकान के ऊपर जो वो आपने एक नक्शा नूरी लगा दिया है वो ट्रिग्नोमेट्री और आपने एक सर्कल बना के उसके अंदर जो आपने नंबरिंग लग दी है या आपने कोई कीले वगैरह लगा दिए नेल्स वगैरह लगा दी है या आपने कोई कपड़ा वगैरह बांध दिया तो उसकी क्या हकीकत है क्या वाकई इससे अल्लाह हिफाजत करता है या नहीं करता यह आपने नंबरिंग देखी होगी ये सात सौ छियासी बिस्मिल्ला लिखी हुई है और पता नहीं क्या क्या आपने नंबरिंग उसको चेंज करी हुई है कुरान की आयतों की नंबरिंग है ये जो आपने फतीले और जो डायग्राम बनाए हुए क्या इससे कुछ होता है ये क्या फर्क है काला जादू क्या होता है सफेद जादू क्या होता है इसकी हिस्ट्री क्या है तो ये सारी चीजें और ये जितनी भी मिस्ट्रीज है हम इनशाला इसमें डिस्कस करेंगे और फिर उसको ट्रीट किस तरीके से करना है कुरान को किस तरीके से आपने पढ़ना है कुरान किस तरीके से दोहराना है कुछ लोग कहते हैं कि ये वाली आए थे ना पढ़ो ये वाली आए थे बहुत जलाली आयतें हैं कुछ कहते हैं जी सत्तर हजार मरतबा ये वाला अमल कर लो चिल्ला काट लो चिल्ला अब बहुत ही मशहूर मशहूर लफ्ज है चिल्ला काट लो ये चालीस की क्या हकीकत है चिल्ला क्या होता है ये किस तरीके के मामला होते हैं किसी के बाद अगर आप इलाज कराने गए तो उसने बोला छत के ऊपर गोश फेंक दो किसी के बाद आप इलाज कराने गए उसने बोला ये कर दो या वो कर दो तो इन सब चीज़ों की क्या हकीकत है क्या वाकई इससे कोई इंसान इलाज कर सकता है या नहीं कर सकता क्या वाकई इस, इस ये करने से मामला ठीक हो सकते हैं कराची में अगर कोई रहने वाला है तो उसको कहते हैं कि जी आप समंदर में जो है ना समंदर के पानी में नहाकर आ जाए क्या आप फला जगह का पानी पी लें फला जगह जाके वजू कर लें फला जगह जाके आप ये दफना दें तो पता नहीं हमारी सोसाइटी के अंदर जिसके पास जहाँ वो एक नया तरीका बताता है तो हम इसलिए ही कंफ्यूज होते हैं कि हमने किस तरीके से इसको डील करना है हमें कोई सही रहनुमाई मिल जाए तो हमने ये कोर्स इसीलिए डिज़ाइन किया था ताकि हम लोगों को एक गलत चीज़ से हटा के एक सही चीज़ बता सकें आप यकीन जाने अल्हम्दुलिल्लाह सहमद ला मैं उस्ताद वकी उस्ताद वकी ने मुझे ये सारी चीज़ें सिखाई उनको शिकायत और ये सारी चीज़ें मामला जो हैं जो भी हमारे इस हमें सिखाए लोगों के साथ सात सात साल पुराने आठ आठ साल पुराने बारह बारह साल पुराने बीस बीस साल पुराने मसा, मसले मसाइल हैं और उनकी जिंदगियां अजाब बनी हुए, उनके जिस्मों में दर्द है बड़े मसले बने हुए आप यकीन जाने दो से तीन दिन में थ्री टू फोर डेज दे आर फाइन पता चल जाता है कि ज़मीन के किस हिस्से के अंदर इंसान का जादू दर किया गया है क्योंकि अगर अल्लाह ताला इतनी मदद करता है कि इंसान की अगर वो सही तरीके से इलाज करता है दो से तीन दिन के अंदर उसकी तबीयत ठीक हो जाती है उस पर आधा घंटा कुरान की तिलावत करो वो ठीक हो जाता है बंदा चाहे वो बीस साल पुराना जादू हो दस साल पुराना जादू लोगों के साथ मसले मसाइल भरे पड़े में पच्चीस पच्चीस साल हो गए और चुटकी बजाते ही वो ठीक हो जाते हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो दुआ जो मेडिसिन जो मेडिसिन नबी अकरम अलैहि वसल्लम ने बताई है वो मेडिसिन देनी पड़ती है आप देखें मेडिकली अगर आप बीमार हो जाते हैं मेडिकली अगर आपके साथ कोई मसला हो जाता है और आप जो है वो डिस्पेंसरी में जाके खड़े हो जाए एक मेडिसिन की दुकान में जाके खड़े हो जाए कि आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी आप वहां से कोई भी मेडिसिन खा लें कि आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी आप वहां से कोई भी अपनी मर्जी की मेडिसिन खा लें क्या आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी जिस तरह आपकी इस तरह तबीयत ठीक नहीं होती इस तरह कुरान से इलाज करने में भी तबीयत ठीक नहीं होती सबसे पहले इंप्रेशन हमारा क्या होता है हमारी सोसाइटी के अंदर क्या मशहूर है अगर एक इंसान के साथ कोई रूहानी मसले हो गए हैं तो वो सूर फलक सूर नास पढ़ना शुरू कर दे अगर तब भी ठीक नहीं हो रहा तो वह आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू कर दे अगर तब भी ठीक नहीं हो रहा तो वो सूर्य बकरा पढ़ना शुरू कर दे तब भी ठीक नहीं हो रहा तो वो किसी इराकी के पास या किसी मालिज के पास चला जाए जिस तरह दुनियावी मेडिकल मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक दुआएं और स्पेसिफिक कुरान की आयात हैं। इस तरह रूहानी मसले मसाइल में भी है जिस तरह आप वॉशरूम में दाखिल होने की दुआ मस्जिद में नहीं पढ़ सकते और मस्जिद में दाखिल होने की दुआ वॉशरूम में नहीं पढ़ सकते इस तरह वे ऑफ ट्रीटमेंट अलग है अगर एक इंसान के ऊपर नजर है तो उस नजर की दुआ पढ़नी पड़ेगी जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है अगर एक इंसान के साथ जिन्नाती मसला है तो वो उसकी दुआ पढ़नी पड़ेगी उसका अगर वो जिन किस तरीके से है क्या अगर एक इंसान ने कोई गलती करी है अगर हमने कोई जिन्नात के ऊपर जुल्म किया है जैसे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी अगर जो हम ये गोश्त जो खाते हैं ये हम जो गोश्त खाते हैं जो हड्डी जो होती है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस हड्डी को इस हड्डी के साथ स्तंजा ना किया करो इस हड्डी के साथ खेला ना करो इस हड्डी को इस तरीके के मामलात ना किया करो कि इसका मजाक उड़े हड्डी की बेहरमती हो चीज की इस पे जो है इसको साइड में कर दिया करो इस करो क्योंकि ये तुम्हारे भाई जिन्द की खुराक है कुछ लोग अक्सर वॉशरूम में दाखिल होते हैं और फिर वो दुआ वगैरह नहीं पढ़ते तो उनके साथ मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं तो आप सल्लल्लाहु ने पूरी एक प्रिकॉशनरी मेजर्स बताए हैं कि ये करो ये ना करो इस तरह करो इस तरह ना करो इस तरह करो इस तरह ना करो, करो, करो। क्योंकि अगर तुम गलती करोगे तो तुम उस जात के ऊपर जुल्म और जब तुम किसी पे जुल्लम करोगे तो फिर अल्लाह भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा तो उस पर जुल्म क्या होता है उसको किस तरीके से ट्रीटमेंट तो के, के हवाले से है वो ये है कि हमने अपने आपको ट्रीट किस तरीके से करना है अगर हमें पता चल जाए कि वाकई हमारे साथ कोई जन्ाती मसला है वाकई हमारे साथ कोई रूहानी मसला है नजर का मसला है तो हमने उसको ट्रीट किस तरीके से करना है तो उसको किस तरीके से हमने जो है वो डील करना है तो वो भी हम आपको प्रॉपर तरीका बताएंगे और आप यकीन जानें ये कोई ऐसा तरीका नहीं है जो मैं कर सकूं और आप ना कर सकें जो तरीका जो इल्म जो क़ुरान जो हदीस जो अल्लाह ताला ने मेरे लिए उतारी है वो आपके लिए भी उतनी ही उतारी है एक अब देखें नज़र का ट्रीटमेंट देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया देखें बहुत आसान है मैं आप लोगों को यहां पे नज़र का ट्रीटमेंट बता देता हूँ कि अगर किसी पे नजर है या किसी की हिफाजत करनी है तो उसका किस तरीके से इलाज होगा बहुत ही सिंपल सी हदीस है और अगर आप ये तरीका फॉलो करेंगे तो अगर किसी के ऊपर दस साल पुरानी भी नज़र होगी तो वो बासानी ठीक हो जाएगी आप कहीं पर भी बाहर जाए अपने बच्चों को लेके या आप अपनी फैमिली के साथ बाहर जाए और आपको डर हो के नज़र लग जाएगी तो आप वो ट्रीटमेंट करें आप, आपको कोई नजर नहीं लगेगी बल्कि आपको अपनी बॉडी में रिलैक्सेशन फील होगी काफी बहुत ज्यादा रिलैक्स होंगे आप नबी वसल्लम फरमाते हैं कि एक सहाबी का किस्सा हुआ जिनको नजर लग गई थी और वो कुलैप्स कर गए थे ज़मीन पर गिर गए थे एकदम अचानक किसी ने उनकी तारीफ कर दी थी दूसरे सहाबी ने और फिर जब नबी अक्रमल्लम ने बताया कि इनको जो है वो नज़र लगी है उनके सिम्टम्स देखे आपसे कुछ क्वेश्चन करे जिससे पता चल गया फला आदमी की नज़र लगी है आपने फरमाया कि जिसकी नज़र लगी थी कि वो वज़ू का पानी जो है वो अपना वज़ू का पानी लें और उनके ऊपर बहाएं जिससे उनकी तबीयत ठीक हो गई और अब सवाल ये है कि हमें वज़ू का पानी कहाँ से मिले और हम किसी किस को कहें कि भाई आपकी नज़र लगी हमें पता कैसे चलेगा किसकी नज़र लगी है और अगर हमें पता भी चल जाए आज किसकी नज़र लगी है तो हम उसको किस तरीके से कहेंगे कि मेरे भाई आपकी नज़र लगी है आपकी वजह से ये हो गया वो तो लड़ाई हो जाएगी खानदान में ठीक है तो एक और तरीका है जो नबी अक्रम्लम अपने अपने जो उनके जो नवासे थे जो उनके जो नवासे थे हसन और हुसैन रज़ी अल्लाम उनको ट्रीट करते थे आप की तरह हाथ उठाते थे सूर फलक पढ़ते थे सूर नास पढ़ते थे और एक दुआ पढ़ते थे उएदुकुमा मिन शैतान व मिन वहा विनकुल्ले आईन और उसमें नफस करते थे और फिर उनकी बॉडी पे फेंटते थे और ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को सोने से पहले खुद भी इस तरीके से करते थे और अल्हम्दुलिल्लाह जब आप ये करेंगे तो जिसको भी नजर का मसला होगा या जो भी होगा वो ठीक हो जाएगा लेकिन उसको ट्रीट करने के लिए और भी कौन कौन सी चीजें हैं कौन सी आपको कुरान की आयतें पढ़नी पड़ेंगी ये सारी चीजें हम उसको कोर्स में बताएंगे तो ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है हिस्ट्री क्या है सिम्टम्स क्या है डायग्नोस किस तरीके से करना है अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है घर को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है कौन सी दुआ कब पढ़नी है चीजों की पाबंदियों का ख्याल रखना है प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है अल्लाह ताला ने क्या क्या चीजें बताई है। है हैं नबी चीज़ों का एक मरतबा आपने एक कर लिया तो आपको इनशाला कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप किसी के पास दर बदर फिर आप किसी के पास जाए और किसी के दरवाजे में दस्तक दें कि भाई हमारे साथ ये मसला हो गया आप खुद उसको डील कर सकते हैं आप भी एक मुसलमान हैं मैं भी एक मुसलमान हूँ अल्लाह ताला ने जैसा कुरान मेरे लिए उतारा है वैसा कुरान आपके लिए उतारा है कोई इसमें ऐसी बात नहीं है कि इंसान को जो है ना ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा सिंपल सी चीज़ें होती हैं सिर्फ डर इसलिए बैठता है क्योंकि हमारे पास गलत नॉलेज आती है हमारे पास मिसकनसैप्शन बहुत हैं हमें पता नहीं होता हम जिसके पास जा रहे हैं वो ठीक ठीक है भी या नहीं है हमें पता नहीं होता कि हम अनयूजल सी चीज़ देख लेते हैं जाहरी सी बात है अगर आपको किसी चीज़ की डेफिनेशन ना पता हो अगर आपको सामने पता ना हो कि भाई इस कमरे के अंदर ये चीज़ है इस रूम के अंदर ये चीज़ है तो आप डर जाते हैं तो जब आपको उसके बारे में इल्म आ जाता है तो वो सारे मामला रिलैक्स हो जाते हैं अल्लाह ताला ने ये कुरान में बहुत सारी अल्लाह ताला ने कुरान में ये भी बताया कि वह अन हु रिजालु मिनल इंस व अनना हु रिजालु मिनल इंस सूरह जिन के अंदर जो अगर आप उसकी तफसीर पढ़ेंगे आप उसको अगर डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जन्नात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नात के एक ग्रुप को तबलीग करी थी उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुरान सुना था और उन्होंने कहा कि हम ईमान लिया अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए बताया और उन्होंने बताया कि कुछ इंसान ऐसे थे जो हमसे पनाह मांगते थे रिजालु मिनल इनसे नबे रिजाल मिनल जिन वो जिन्नात से पनाह मांगते थे और उन्होंने देखा जब हमने ये देखा कि इंसान हमसे पना मांग रहे अल्लाह को छोड़कर हमसे डरता है फजाद हमारी सरकशी और बढ़ गई इस चीज़ को लेके हमारी सरकशियाँ और बढ़ गई इस चीज़ को लेके वह अन्ना कुन्ना नहा मकायदम और भी बहुत सारी बातें करी नजूमियों के बारे में बताया ये जो आपके पाम, पामिस्ट होते जो हाथ देख के बता रहे होते जो आपके ये हॉरोस्कोप बता रहे होते हैं ये बहुत सारी चीजें इनकी सबकी क्या हकीकत है ये हॉरोस्कोप हो गए ये पामिस्ट हो गए जो आपके हाथ देख कर बता रहे होते ये नजूमी हो गए ये फॉर्च्यून टेलर हो गए इनकी क्या हकीकत है ये पत्थरों की क्या हकीकत है ये धागों की क्या हकीकत है ये डोरियों की क्या हकीकत है ये सारी चीजें हम इस कोर्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एट सेशंस हैं खाली आपके पास एक महीना है एक महीना उस एक महीने के अंदर आपकी दो दिन क्लास होगी वेनसडे और थर्सडे और एक घंटे की क्लास होगी आपकी एक से सवा घंटे की उसमें हम आपको ये सारी डिटेल्स बताएंगे ये कोर्स करने के बाद आपको ना कहीं जाने की जरूरत पड़ेगी और इनशाला आपके माइंड के अंदर कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगी और हमारे पास अलहमद दिस इज द थर्ड बैच ऑफ जिन्स एंड जिन ब्लैक मैजिक और अभी अलहमदिल्ला मोर देन टू पीपल जो है वो ये कोर्स कर कर जा चुके हैं और अलहमदिल्ला हंड्रेड परसेंट हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक है जी अगर कोई सवाल है आप लोगों का तो वो मुझसे पूछ सकते हैं किसी भी हवाले से इस कोर्स के हवाले से अगर कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकते हैं उम्मीद है आप लोगों को बात समझ में आई होगी अगर कोई कंफ्यूजन है और uh, मैं ये कहूंगा इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन दैट कोर्स अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जिन्होंने ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो काइंडली कमेंट बॉक्स के अंदर इंटरेस्टेड लिख दें हमारी टीम जो है वो आपसे कोऑर्डिनेट कर लेगी और आपको इस कोर्स में रजिस्टर करवा देगी सो कमेंट ऊपर करिएगा चले जी तो इंशाला जिन लोगों ने भी कोर्स ज्वाइन किया है उनसे रिक्वेस्ट है कि आ, जिन लोगों ने कोर्स ज्वाइन नहीं किया है अभी भी तो उनसे रिक्वेस्ट है इस कोर्स को ज्वाइन करें ताकि आप अपनी फैमिली को भी और अपने आप को भी इन चीज़ों के साथ इन चीज़ों को समझ सकें और इन चीज़ों को जो है ना वो डील कर सकें और आपको पता हो कि आपके साथ क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है देखें अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं भी है तो अल्लाह ताला ने ये बहुत वाजे अंदाज़ में बताया है कि शैतान इंसान का दुश्मन है और वो हमेशा पीछे लगा रहता है उसके तो बेहतर है कि अपने आप को प्रोटेक्ट किस तरीके से करना है अपने आप को किस तरीके से बचाना है जैसे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सुबह शाम के असकार बताए हैं जो घर के बारे में चीज़ें बताई हैं वो किस तरीके से बतानी है कि अपने घर को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है तो मेरा आपसे मशवरा यह है लाइफ में एक मरतब इस कोर्स को ज़रूर करें ताकि आप भी अपने आप को भी बचा सकें और अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट कर सकें अपने कारोबार को भी प्रोटेक्ट कर सकें अपने रिलेशनस को भी प्रोटेक्ट कर सकें जैसे अल्लाह ताला ने कुरान में बहुत अंदाज में बताया है कि

कि लोग जादू से इसलिए सीखते थे ताकि मियाँ और बीवी के दरमियान जो है फर्क डाल दें ताकि मियाँ और बीवी के दरमियान क्या करें फर्क डाल दें तो जादू के जो अटैक्स होते हैं या उनकी क्या नीयत होती है जो लोग जादू करा देते हैं उनसे किस तरीके से बचना चाहिए आ, हमारे एक भाई ने सवाल मिसेज अरसलान है उन्होंने सवाल पूछा है सर मैंने ज्वाइन किया हुआ है मुझे ये बताएं कि क्लासेस लेनी कैसे हैं क्लासेस जो होंगी वो ऑनलाइन होंगी जूम पर इंशाल्लाह जब भी क्लास होगी तो आपको आपसे कोऑर्डिनेट कर लिया जाएगा आपको बता दी जाएगी क्लास टाइमिंग्स और उसके अलावा जो हमारी जो क्लास की टाइमिंग है वो आठ बजे से लेकर नौ बजे तक होगी एवरी वेनजे एंड एवरी थर्सडे और ऑनलाइन सेशन होगा जूम के ऊपर आपको जो है वो जो भी स्लाइड्स हैं जो भी नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे पीडीएफ फॉर्मेट में और जो भी सेशन की रिकॉर्डिंग्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी अगर कोई भी बंदा अगर वो नहीं ले सकता क्लास अपनी टाइमिंग की वजह से या कोई पाकिस्तान से बाहर रहने वाला है अगर टाइमिंग उसके लिए सूटेबल नहीं है या कोई पाकिस्तान में रहने वाले के लिए भी अगर टाइमिंग सूटेबल नहीं है तो फिर उनके लिए रिकॉर्डिंग्स भी प्रोवाइड की जाएंगी गूगल ड्राइव के थ्रू उनके पास रिकॉर्डिंग्स होंगी वो जब चाहे उसको सुन सकते हैं वो जब चाहे और अगर वो कुछ सवाल करना चाहे क्योंकि अगर वो क्लास में लाइव नहीं था अगर कोई वो सवाल करना चाहे तो आप जो है कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर जो भी आपके साथ कोऑर्डिनेटर होंगे उनको आप मैसेज कर सकते हैं तो आपका सवाल अब तक पहुंच जाएगा और हम उसको आपको 24 फोर आवर्स जब भी होगा हम आपको इनशाला आपको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे आपको जवाब देंगे अगर कोई क्लास नहीं ले सकता और कोई सवाल नहीं पूछ सकता तो उम्मीद है आप लोगों से मुलाकात होगी क्लास के अंदर दुआ में याद रखिएगा सुबह नकल अबी हमदी का अशदअाल्लांता फ़िरतुब अल्लाम वरमि वर्कू जजाकल्ल है